आप देख रहे हैं सरकार ने जो हिदायतें दी हैं कि कोरोना वायरस एक महामारी पूरी दुनिया में जिसकी दहशत है और हिंदुस्तान में भी काफ़ी लोग इसकी चपेट में आ गए हैं, इसको देखते हुए समाना का जो यूनिक पार्क था, इस टाइम आप देख रहे हैं चारों तरफ सन्नाटा है, कोई इसमें घूमने वाला नहीं है। जहाँ हज़ारों लोग यहाँ घूमने के लिए आते थे शाम और सुबह, आज यहाँ बिल्कुल सन्नाटा है। लोगों ने प्रशासन का सहयोग दिया है कि वो घूमने नहीं आ रहे, लेकिन उनको मायूसी है कि हम सैर करने आते थे, हमारा शरीर स्वस्थ रहता था, लेकिन सरकार के हिदायतों को मानते हुए उन सभी ने ये फैसला किया है कि हम कुछ दिन के लिए अपने घर के अंदर रहेंगे ताकि सभी खुद स्वस्थ रहें और दूसरे भी स्वस्थ रहें। ये सर कोरोना वायरस करके जी बीमारी फैली, वो करके जी बंद किया गया जी। किन्ने लोग सैर कर आते हैं? इतने हजारों बंद सैर कर आते हैं। इतने पार्क सैर कर डेली आई दी, ये पार्क बंद करके प्रशासन ने बहुत वधिया काम किया, क्योंकि जे आप चार कट्ठे होवे इस करके अपन सारे कोरोना तो डर है, जो अजक बीमारी फैली हुई है, इस करके भी जो मोदी जी ने कहा है भी संडे तुसी अपना सबने घर अंदर बंद रहना है, किसी ने बाहर नहीं आना बिल्कुल, इस करके आप पालन कर सकी कि संडे सारे कारोबार अपने बंद करो तो अंदर बैठो जी। सैर करना आए थे शाम रोज़ सैर करते हैं इतने, इतने रोज़ शाम को 300 से 400 बंदा बच्चे लेडीज़ होंगे है जो सैर करते हैं। हाँ जी, तो अज कोई है नहीं इतने, क्योंकि सुने कि बंद कर दिता कोरोना वायरस को देखते हुए, अब पार्क ये एहतियातन बंद किया प्रशासन वालों। असं तो यही सलाह दें खुद कि एहतियातन जो प्रशासन ने बंद किया, प्रशासन को सहयोग देना चाहिए ये, क्योंकि प्रशासन ने लोगों की सेफ्टी वास्ते ये बंद किया, तो लोगों भी इस पूरा सहयोग देना चाहिए, प्रशासन वास्ते अपने वास्ते अपने बच्चों की सेफ्टी वास्ते इस योगदान पाना चाहिए। भी लोगों वास्ते ही स्नेहा जो मोदी साहब ने कहा, साडे प्रधानमंत्री ने भी घर रहो तो साडा फर्ज बनता भी असं घर रहीए, तो ऐतवार वाले दिन या अज तो ही असी मतलब इसका अमल कर लिए। कैमरामैन बाल सिंह गर्ग के साथ पुरुषोत्तम कौशिक, समाना न्यूज़।